देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन की स्थिति के चलते एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी बाहरी प्रांतों से आ रहे गरीब मजदूरों का सिलसिला बराबर जारी है। क्रम में आज गुड़गांव से करीब एक दर्जन मजदूर परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल चलते दिखाई दिए। जो महिलाएं अपनी छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोद में लिए थे और साथ में अपना भारी भरकम सामान लाद के चल रही थी। बच्चा ले लेना। क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। मुन्नी। कहाँ से आ रही हो? गुड़गांव से आए, दिल्ली से। पैदल आ रही हो क्या? पैदल नहीं, दो बार बैठा है, एक बार डगम बैठा थी। अच्छा, एक बार बस में आई। अच्छा, तो ऐसी बच्चे को लेके चली आ रही है? हाँ। किसी ने खाना पीना कुछ पूछा? खाना मिला, हाँ, झांसी लो मिला, फिर यहाँ आते यहाँ ही मिला। अच्छा, झांसी से फिर नहीं मिला। ज्यादा दूर कितने किलोमीटर चली हो तुम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे को लेके? अब किलोमीटर नहीं बता पाएंगे, अब दिल्ली से। थकान नहीं हुई महसूस? थका तो अब 4 दिन हो गए। चार दिन से चल रही हो? 4 दिन में दो बार बैठे। अच्छा, हाँ। मतलब 4 दिन में 2 दिन चला, फिर 2 दिन बैठा? नहीं, 2 दिन चला, 2 दिन बैठा नहीं। हाँ। कल बैठे थे हमने, एक बार बैठे थे झांसी से बैठे थे। झांसी लोग कहाँ तक आए थे? ठीक है, चलो इस बच्चे को। इसी क्रम में आज गुड़गांव से करीब एक दर्जन मजदूर परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल चलते दिखाई दिए। जो महिलाएं अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोद में लिए थे और साथ में अपना भारी भरकम सामान लाद कर पैदल चल रही थी। इस बारे में जब महिलाओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग गुड़गांव से आ रहे हैं, बीच बीच में कई किलोमीटर तक इन मासूम बच्चों को पैदल लेकर चलते रहे, तो वहीं कहीं कहीं जुगाड़ू वाहनों से हम किसी तरह चलते रहे और 2 दिन से हम लोगों के भूखे रहे। आज हम लोगों को यहाँ पर खाना नसीब हो पाया है। यह भी बताया है कि हम लोग महोबा आ गए हैं, महोबा से हम लोगों को मध्य प्रदेश के पन्ना कस्बे में जाना है, जहाँ पर अभी हम लोगों को कोई साधन मुहैया नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार द्वारा हम लोगों को पन्ना जाने के लिए इंतज़ाम किया जाए, ताकि हमारे मासूम बच्चे सुकून से अपने घर पहुंच सकें। कितने दिन से खाना खाया, कितने दिन से नहीं खाया, बता दो। हम गुड़गांव से चले हैं और वहाँ से हम बैठे हैं एक बार यहाँ आगरा के लिए, आगरा से फिर बैठे हैं ट्रक में झांसी के लिए, और फिर इसके बाद पैदल आ रहे हैं। खाना कब से कब तक मिला? कल झांसी तक मिला है खाना, इसके बाद खाना नहीं मिला, अभी मिला है यहाँ चावल, वही बैठ के खाए। कितने दिन बाद मिला खाना? 2 दिन बाद मिला है। 2 दिन बाद? हाँ। अब मिल गया खाना? हाँ। क्या नाम है आपका? सुनैना। कहाँ से आ रही है? गुड़गांव दिल्ली से। पैदल 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 आ रहे हैं, झांसी लगा थे ट्रक में। हाँ। ट्रक के बाद थोड़ी देर मिली थी बस, फिर बाकी तक पैदल पैदल आ रहे थे। पैदल ही पैदल? हाँ। खाने पीने को कुछ? खाने पीने झांसी तक मिला है, आगरा तक, आगरा से झांसी तक बस, यहाँ नहीं मिला, अभी यहीं मिला है। अच्छा, मतलब 6 घंटे बाद मिला? हाँ, 6 घंटे बाद, परसों ना, परसों दिन से मिला है आज खाना। मतलब परसों मिला था, फिर आज मिला? आज मिला था यहीं पे। परसों मिला था खाना? हाँ। फिर परसों दिन से आज मिला है भाई। 2 दिन बाद खाना मिला? 2 दिन बाद खाना मिला। बच्चे जी भूखे नहीं होंगे तुम्हारे? रहेंगे तो क्या करेंगे, दुकानों भी नहीं खुला कि किस खिला दें। हाँ, दुकान नहीं खुली? नहीं खुली।